वाकई बहुत शानदार है, जितनी तारीफ की है कम है। एक चम्मच और हम खा के आपको बताते हैं, बहुत शानदार है। आइए विजय चौक से बस 10 कदम आप आगे जाएंगे तो आपको कुमार कुल्फी की ये दुकान दिखेगी। कुल्फी फालूदा खाइए, शुगर फ्री है और आनंद लीजिए। गोरखपुर लगातार पर्यटन का हब बनता जा रहा है, जैसे नौका विहार का आप देख रहे होंगे जिस तरह से सुंदरीकरण हुआ है, और सीएम भी गोरखपुर से हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र से विधायक होता है, सीएम होता है, तो उस क्षेत्र की एक अपनी गरिमा होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हैं और गोरखपुर में जिस तरह से तेज़ी से विकास हो रहा है, गोरखपुर पर्यटन का हब बनता चला जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आपको MBA चाय वाली के दुकान पर मैं ले जाकर चाय पिलाकर दिखाया कि आखिर वो चाय क्यों खास है। हम चाय सुट्टा बार पे गए और ऐसे ही फेमस दुकानों पर हम लगातार आ रहे हैं और दिखाने, समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुकान क्यों खास है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सीढ़ी नीचे आ गई, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों खास है। तो हम इसी संदर्भ में जब आप विजय चौक से 10 कदम आगे आएंगे तो कुमार कुल्फी है। 1972 में श्री राम सिंह ने इसकी नींव रखी। वो मेरठ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और एक फाइनली काफ़ी संघर्ष के बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जो गोरखपुर में अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है। और कुल्फी के क्षेत्र में, कुल्फी फालूदा के क्षेत्र में गोरखपुर में एक ब्रांड है, एक नाम है और लगातार इसकी विश्वसनीयता 1972 से चलती आई है, बनती आई है और ये काफ़ी फेमस है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं कि गोरखपुर में जो खास है, जो फेमस है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री राम सिंह के आप क्या लगते हैं? मैं उनका नाती लगता हूँ। इनके नाती हैं ये, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं और श्री राम सिंह ने काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष करके एक ऐसी मिसाल कायम की। उनकी उम्र 94 साल की है, हम उनसे बात करना चाहते थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके नाती उनसे बात करेंगे कि कैसा संघर्ष रहा, कब इसकी स्थापना हुई, जरा इन्हीं से जानते हैं। सर कुछ बताइए। हमारे बाबा श्री राम सिंह जी जो कि चिलिया सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं और वो जब पहली बार गोरखपुर में आए, उन्होंने बड़ा संघर्ष से एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे कि गोरखपुर में ऐसी कौन सी चीज़ें हम दें कि जिसको लोग पसंद करें। स्टार्टिंग में वो पंजाब, दिल्ली वगैरह सब जगह घूमा उन्होंने, फिर वहाँ से कुल्फी कॉन्सेप्ट लेकर के गोरखपुर में आए। वहाँ कुल्फी दूसरे तरीके से दी जाती थी, यहाँ कुल्फी दूसरे तरीके से दी जाती है। तो जब वो गोरखपुर में आए तो करीब 7-8 साल उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा कि लोगों को जानने में टाइम लगे 7-8 साल कि कैसे हम ये क्या चीज़ें कैसे खा लें, लेकिन अंततः सफलता उनको मिली और आज 1972 से 2022 चल रहा है, 50 साल वर्ष हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं और सबके आशीर्वाद से, जनता के प्यार से उसी तरह क्वालिटी आज भी हमारी बरकरार है। शुद्ध स्वादिष्ट कुल्फी आज भी हम देते हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि इतनी भीड़ बढ़ जाती है, नीचे भी पहले नीचे नहीं था, ऊपर था, हमने बढ़ाया है, और कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको शुगर होता था फिर भी वो खाते थे, उन्होंने आपसे कहा कि कुछ ऐसा करिए जिससे हम भी खाएं, तो आपके यहाँ दो तरह की कुल्फी? ये पिछले 5 साल पहले की बात है कि बहुत से लोग डायबिटिक आजकल हो चुके हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो डायबिटिक हैं, क्या क्या करें, तो उनके लिए हम लोग 4-5 साल पहले ही जो है शुगर फ्री कुल्फी की उपलब्धता कराई, जिसमें शुगर फ्री पाउडर पड़ता है, क्वालिटी और टेस्ट सब कुछ हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं ये गोरखपुर में जो कुछ फेमस है, जिस तरह से गोरखपुर की अभी देखा गया कि जिस तरह से रेडिसन ब्लू बड़ी बड़ी कंपनियां आके क्रूड डिनर की बोली लग रही है, काफ़ी हाई बोली लग रही है, बेस प्राइस से भी ज़्यादा लग रहा है, तो जिस तरह से गोरखपुर विकसित हो रहा है, जिस तरह से पर्यटन का हब बन रहा है, कितनी ज़्यादा आपकी दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी? एक तो CM भी गोरखपुर से हैं। ये भीड़ की बात करें तो ज़्यादातर भीड़ हमारे मंगलवार और संडे और हॉलीडेज जिन दिन होते हैं ज़्यादा होती है, लेकिन कस्टमर हमारे परमानेंट बने हुए हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट। रेट बता दीजिए। रेट हमारे यहाँ इस समय 90 रुपये है और फुल 180 रुपये। शुगर फ्री?
शुगर फ्री भी सेम रेट हम देते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि शुगर फ्री का रेट ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, ये एक बात तय है कि हम इस गोरखपुर में सबसे पहले और सबसे अच्छी और टेस्टी कुल्फी प्रदान करते हैं ताकि लोग यहाँ आए, अपने पैसे खर्च करें और उन्हें लगे कि हमारे पैसे अच्छी मतलब खर्च सही तरीके। तो हम तीसरी पीढ़ी वाली दुकान दिखा रहे थे, बाबा जी ने न्यूज रखी, पिताजी चलाते रहे, फिर उनके ये नाती हैं। तो ये कुमार कुल्फी की अपनी विश्वसनीयता है, ये कुल्फी के क्षेत्र में ये मसीहा कहे जाते हैं गोरखपुर में, इन्होंने कुल्फी ही बनाना सीखा है और बनाते भी। आइए, अंदर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कुमार कुल्फी की कुल्फी क्यों खास है। श्री राम सिंह के हाथों की जब वो स्वस्थ थे, अब तो ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और बन रहा। आइए, कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद आलम। आलम जी, कब से आ रहे हैं दुकान? यहाँ तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया। क्या अगर और भी जगह कुल्फी फालूदा मिलता है, ये यहाँ की सबसे बेस्ट होती है, यहाँ की सबसे बेस्ट होती है। अलग होता है हर जगह, यहाँ का हर एक चीज़ अलग होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे खा रही है कुछ तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक। और भी लोग हैं, अभी ये वेट कर रहे हैं, वॉच एंड वेट की स्थिति में है ना, अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है। कब से आ रहे हैं जी? क्या नाम पड़ेगा जी? मैं आचार्य असन कुशवाहा, और इस कुमार कुल्फी का मैं नाम बहुत सुना था। सुना था मतलब पहली बार आए? जी हाँ, मैं सुना था और पहली बार आना हुआ है। तमाम हमारे दोस्त मित्र और हमारे सारे स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं कि सर वहाँ पर कुमार कुल्फी हाउस है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वहाँ मिलते हैं सब, लेकिन कभी चूँकि बाहर की चीज़ों टेस्ट कर लीजिए तब हम आपसे मंगाइए तब। अभी आप भी पहली बार आए हो? नहीं सर। तो बताइए आप टेस्ट के बारे में। पिछले 15 साल से मैं आ रहा हूँ। 15 साल से कुमार? जी। क्या खास है? हर जगह हम देखते हैं और भी रेस्टोरेंट में कुल्फी मिलता है, कुल्फी फालूदा, यहाँ क्या अलग? जो यहाँ का टेस्ट मिलता है वो कहीं और उसका टेस्ट मुकाबला नहीं है। कुमार कुल्फी? जी। और एक भाई साहब ने कहा कि उनके स्टूडेंट जाकर उनको बताते रहे कि किस तरह से कुमार कुल्फी की कुल्फी फालूदा बेहतर है, तो वो खाने आए हैं, अभी उनका ऑर्डर नहीं मिला है। उनका ऑर्डर मिलने के बाद हम आइए भाई साहब से बात करते हैं। अभी ये ऑर्डर लेके मोबाइल चला रहे हैं। भाई साहब, कब से आ रहे हैं दुकान? हम 2012 से आ रहे हैं। 2012 से। क्या खास है? अच्छा लगता है खाने में। टेस्ट और भी जगह कुल्फी फालूदा मिलता है, कहीं जाते ही नहीं है खाने। बस क्या टेस्ट में क्या अंतर है, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगता है, बस टेस्ट अच्छा है इसका। तो आप देखें किस तरह से इसकी विश्वसनीयता है। अभी अभी हम लगभग 5:30 बज रहे हैं, 6-7 बजे से यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है, बैठने का भी जगह नहीं होता है। हमने कॉल किया, पूछा कि कब थोड़ी सी थोड़ा सा समय मिल जाएगा, कब थोड़ा सा कम रश होगा। उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 5:30 बजे के आसपास आइए, 7 बजे यहाँ जगह नहीं मिलती है। आइए भाई साहब से बात कर लेते हैं, जो पहली बार खा रहे हैं, काफ़ी तारीफ सुनी है। भाई साहब, एक बाइट खाइए, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि कैसा है। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और भाई साहब कई लोगों से तारीफ सुनने के बाद आए हैं, अब बताइए। जी, वैसे मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, परंतु बहुत रेयर केस में बाहर खाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घर वाले देखेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो स्वाद तो अच्छा लग रहा है। जो बताया गया था जैसा वैसा है या फिर उससे? जी नहीं, जो बताया गया था उससे अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए, हमने भाई साहब से भी पूछ लिया, ये तारीफ सुनने के बाद यहाँ आए थे। ये वो कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं। देखिए, कब से कर रहे हो यहाँ? यहाँ तो हम 3 साल से कर रहे हैं काम। कितनी भीड़ रहती है? बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है? हाँ जी। तुम भाई? हम भी 2 साल हो गए। 2 साल से भीड़ रहती है? हाँ। तो आप देखिए, कुमार कुल्फी ही नहीं है, रोजगार भी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखिए, यहाँ कुल्फी फालूदा मिलता है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिला हुआ है। आइए भाई साहब से बात करते हैं, इनके यहाँ कितने कर्मचारी। मेन मकसद यही है, कुल्फी फालूदा खिला रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो रोजगार की। कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है? सर, यहाँ पे कारखाने से मिला के शॉप तक के करीबन 18 से 20 वर्कर काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेबोरियस और देसी विधि से बनाया जाता है। लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना हम भट्टियों पे बनाते हैं इसको, करीबन ये समझिए 60-65 के टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, तो 18-20 लेबर तो हमेशा परमानेंट लगे रहते हैं इसके लिए। आप देखिए कि कितनी भीड़ है, और इनके यहाँ इन्होंने बताया कि लगभग 18 से 20 लोग काम भी करते हैं, काफ़ी मेहनत वाला ये क्षेत्र है। तो किस तरह से श्री राम सिंह ने एक न्यू रखी कुमार कुल्फी की 1972 में, बहुत पुरानी दुकान है। काफ़ी कुल्फी के क्षेत्र में अगर गोरखपुर आएँ
गोरखपुर पर्यटन का क्षेत्र बनता जा रहा है। आइए, नेट पे सर उपलब्ध है सर्च करने पे? नेट पे, गूगल पे वगैरह मिलेगा आपको, और हमारा खुद का होम डिलीवरी भी है, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ये दो नंबर है हमारे जिसपे कि आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो गलता नहीं है घर ले जाते हैं? हमारी देखिए, ये हमारी खुद की डिलीवरी है, हम खुद इसको आइस बॉक्स वगैरह हम इस तरीके से ले जाते हैं पैक करके, ये हम आपको घर तक बिना पिघले पहुंचा देते हैं। तो आप देख लीजिए, होम डिलीवरी कुल्फी की सुविधा उपलब्ध है, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और होम डिलीवरी आप मंगा सकते हैं। जो कुछ ये मैं दिखा रहा हूँ वो अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा रहा हूँ, कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।